मैं आनंद शर्मा पुत्र श्री हरिनिवास शर्मा ग्राम पंचायत देहरा शमशाबाद का निवासी। आनंद जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? अपना उद्देश्य है कि हम बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, क्षेत्र से अच्छा रहता चाहते हैं। जो बीजेपी चाहे मुझे टिकट दे या किसी भी व्यक्ति को टिकट दे, ये हमारी जनरल की सीट है, केवल जनरल के खाते में जानी चाहिए, उसके लिए अपना प्रयास है। राजनीति में आपका कितना पुराना कैरियर रहा है, राजनीति की शुरुआत कब से हुई? मैं बचपन से शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, शिशु से लेकर पंचम तक सरस्वती शिशु मंदिर, षष्ठम से लेकर अष्टम तक सरस्वती विद्या मंदिर, और उसके बाद एपी इंटर कॉलेज से हाईस्कूल किया है, उसकी वजह से आगे पढ़ने के लिए आगरा से। और आपके क्या मुद्दे रहेंगे आगे विधानसभा फतेहाबाद से आप दावेदारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? हमारा शमशाबाद हमेशा शिक्षा से अछूता रहा है, आज तक कोई भी नेता जहां जो बना उसने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, हमेशा बाहर के लोगों को प्रत्याशी बनाकर हमारे साथ भेज दिया जाता है, जो लोकल की समस्याओं को आगे बढ़ाता नहीं। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाओगे आप? जनता के जो भी मुद्दे हैं उनको हम पूरी आवाज के साथ एक टीम वर्क लेकर के और विधानसभा में प्रस्तुत करें। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपकी निगाह में, क्षेत्र में समस्या बनी हुई है उनकी? सबसे पहले शिक्षा, गरीबी। ऐसे कोई अभियान है जो आपने इससे पहले चलाए हो, चाहे वो सरकार के हित में हो या समाज के हित में हो? समाज सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ें बताओ जो ट्रेड की हो और समाज सेवा आपने की हो। हमारी श्रीनाथ जी संस्थान है, भाई साहब हैं जो कन्याओं के विवाह में सबसे आगे अग्रणी रहते हैं, जिसकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसा क्या प्यार मिल रहा है जनता का? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, पूरी मीडिया हमारे साथ है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आपकी विधानसभा में ऐसी कौन सी समस्या है जो जस की तस बनी है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के अभाव में या पैसे के अभाव में काम ना हो पाया हो, अगर आपको जनता चुनती है तो सबसे पहले आप उस कार्य को कराओगे? ऐसे कौन से कार्य हैं अपनी विधानसभा फतेहाबाद में जो समस्याएं बनी हुई हैं? सबसे पहले अगर आज हमारे शमशाबाद में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है जहां आदमी अपना ढंग से इलाज करा सके, उसके लिए सबसे पहले उसे आगरा जाना पड़ता है, उसके बाद भी अगर वहाँ कोई समस्या नहीं होती है उसके बाद और आगे जाना पड़ता है, तो सबसे पहले अपना काम होगा कि मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में काम करता हूँ। मैं आपको बता दूं, एक रोल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 93 में मैं गांव में सबसे कम उम्र में यहाँ शमशाबाद में प्रधान बना था, तब से लेकर के अब तक मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ समाज के साथ जुड़े रहने में ही, समाज हित में गरीबों के साथ जुड़े रहने में लगा रहा हूँ। आज जनता का प्यार मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो बना है वो केवल समाज में जुड़े रहने की वजह से बना है। ईश्वर को क्या मंजूर है, राजनीति में लोग समाज सेवा के लिए ही जुड़ते हैं, ईश्वर ने मुझे भरपूर बिजनेस सब चीज़ में दिया है, अब मेरा और मेरे बच्चों का जो झुकाव राजनीति में हो रहा है वो केवल और केवल समाज के हित में समाज सेवा के लिए हो रहा है। जनता मुझे स्वीकार करेगी, मेरे बच्चों को स्वीकार करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि पार्टी भी विचार करे, जनता मेरे साथ है ऐसा मुझे भरोसा है, आगे पार्टी के ऊपर है।